डेट नंबर 14 मेन सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2013 राइट। इसमें देखो सेल्स दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन सेल्स कितना लिखा है, 1,50,000। इसके बाद में पीवी रेशियो 30% वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट, काफी सिंपल है। पहली बात हो पीवीआर की फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन बराबर। अब अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो पहले तो पीवीआर लिखा है, मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन। अब देखो पीवीआर कितना दिया है 30, सेल्स 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स 1,50,000 इनटू 100, ये दोनों जीरो कट हो जाए, फिर 3,45,000 या इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी एक बार आंसर राइट। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये वाली क्वेश्चन सुनने हैं शुरुआत से करने हैं सर। A passenger vehicle runs between two cities covering a distance of 210 km each way. So, kilometer kitne hain? 210 km. Right? And the vehicle makes 3 round trips. So, 3 into 2. Round trip yani jana, aana, doon. So, 3 baar. 3 into 2 ho gaya. On an average 50 passengers. So, passengers kitne hain? 50. Or, assuming that 1 mahina. So, days kitne hain? 1 month यानी 30 days। तो हम यहाँ पे इन सबको खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आंसर आ गया। मल्टीप्लाई दिस 210 इनटू 6 इनटू 50 इनटू 30 राइट 18,90,000। ये नहीं तुम्हारा क्या बोला जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर में लिखा तो पैसेंजर किलोमीटर राइट ना। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50, 48, 44 फॉर प्रोडक्ट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, द डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। यानी पहले मैं लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन ए बी और सी, ये कंट्रीब्यूशन है 50, 48 एंड 44। द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितना, 8 hours, 6 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली। तो अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो हम यहाँ पे लेबर आवर्स लिख देते हैं, कितने कितने 8, 6 और 4। अपने करना क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे 6.25 थिंक सो राइट। फिर इसके बाद में ये 8 और ये 11 आ गया, सबसे ज्यादा किस में, सबसे ज्यादा ये, तो इसका मतलब सी ए ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था, फिर बी और इसके बाद में ए, तो इसका मतलब इसको 1, इसको 2 और इसको 3rd रिंग दिया। तो अपने 3, 2, 1 आगे दे देंगे, ए बी सी का रैंक कौन सा होगा, 3, 2, 1 यानी सी आंसर है। नाउ नाइंथ वाला क्वेश्चन देखो, इफ एक्चुअल सेल्स आर रुपीज 2 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स उसकी फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया है तुमको 40%, एक्चुअल सेल्स कितना लिखा है 2 लाख। इस होल्ड ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक मिनट, मुझे फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे एक्चुअल सेल्स माइनस पीएस आएगा, एक्चुअल सेल्स यहाँ पे 2 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स अपने को ढूंढना है, ये दो जीरो कट कर दे, सिंपल फॉर्मूला। तो ये एक पेपर कंप्लीट हुआ, इसमें 10 MCQ थे। अब अपने सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेपर पेज नंबर 15, ये मार्च 2014 का पेपर,
उसमें पहला क्वेश्चन देखे आपको ब्रेक इवन सेल्स दिया है, ब्रेक इवन सेल्स की फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपन पीवीआर इनटू 100। अब ब्रेक इवन सेल्स कितना दिया है आपको 10,000, फिक्स कॉस्ट दिया आपको 4,000, तो पीवीआर फाइंड आउट। पीवीआर यहां पे लिखो 4,000 अपॉन 10,000 इनटू 100 तो 40% ये आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ देखो, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशियो दिया है, प्रॉफिट विल बी देखो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई भी सेल्स की फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, ये उसकी फॉर्मूला आती है राइट। अब आपके पास पीवीआर है और मार्जिन, फिक्स कॉस्ट भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से अपने प्रॉफिट खाली हटा देंगे। सो सिंपल फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,00,000, बराबर ये 1,00,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, पीवीआर 60% है, तो 60,000 आना चाहिए। माइनस करें मैं वापिस चेक करता हूँ एक बार, ये फॉर्मूला तो सही है, प्रॉफिट अपन पीवीआर आता है। ये बराबर है 60,000 आंसर है। राइट, अब सिक्स देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 बसेस, बसेस कितने लिखी है 4 लिखी है, टू टाउन 75 किलोमीटर, किलोमीटर कितने 75, ऑल बसेस रन ऑन एन एवरेज 25 डेज, तो डेज कितने लिखे 25, और उसके बाद में टू राउंड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 50 पैसेंजर की कैपेसिटी, लेकिन लिखा क्या है एक्चुअल पैसेंजर वो 80% ले जाती है, यहाँ 80% करना है, परसेंटेज कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, बराबर पैसेंजर टोटल किलोमीटर अपने को फाइंड आउट करने, 4 × 75 × 25 और दो राउंड ट्रिप है तो 4 × 2 करेंगे, किलोमीटर कितने 75, तो 75 इंटू 2 भी कर सकते हो, और भी करो कितना आता है सर हाँ 6,00,000, होल्ड ऑन, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 4 बसेस, 2 टाउन 75 किलोमीटर अपार, 25 डेज इन अ मंथ और 2 राउंड ट्रिप पर डे लिखा है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस 50 पैसेंजर्स, यानी 100% कैपेसिटी, पर एक्चुअल पैसेंजर ले जाती है 80%। एक मिनट कैलकुलेटर दो, 4 × 2 × 75 × 25 × 50 × 80%, ये बराबर आता है। नहीं मैं गलत कहा, पे टू राउंड ट्रिप्स लिखा, यानी दो बार जाती है बस और दो बार वापस भी आती है, इंटू टू दूसरी बार भी करने का, दो बार जाना दो बार आना, तो टोटल 4 टाइम हुआ ना, इसलिए यहाँ पे 1,20,000 आंसर।
बराबर है, टू राउंड ट्रिप्स लिखा है। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद अपने पेपर है फरवरी 2015। फिर आप हाँ 12 6 लाख तो वो था बराबर, तो फरवरी 2015 उसमें आप देखो सीधा 9th क्वेश्चन है, सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए थे देखो कैलकुलेटिव 9th। इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60% और फिक्स कॉस्ट दिया तो ब्रेक इन ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इनटू 100। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख दी है। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 बराबर है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। लेकिन अपने को वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स की जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत किसकी है? अपने को पीवीआर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत, अपने चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स बराबर है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 60%। ये अगर 60 रखूं तो देखो सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% है। रिमेंबर एवरी टाइम सेल्स को अपने 100 सपोज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना है तुम्हारा 60, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40% आ गया ना, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40%। हम यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन 40% हुआ, इसका मतलब हमारा रेशियो आ गया। देखो PVR का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑलरेडी 40 अपॉन 100 इंटू 100 करूंगा तो आंसर 40% आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख के डिवाइडेड बाय क्या करूँगा? 6 लाख है, सॉरी 6 लाख डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100 करूँ तो आंसर आएगा 15 लाख। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है बराबर है। कैसे ढूंढेंगे अपने वेरिएबल कॉस्ट? कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर से पीवीआर आएगा। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट क्लियरेंस 4 बसेस बिटवीन टू टाउन, सेम क्वेश्चन पर खाली है ने इसमें 50 किलोमीटर अपार्ट लिखा है 75 की जगह। ओके ये थोड़ा है ना अजीब है। देखो एक चीज है ना अलग है इसके अंदर, पहले बस मेट्रिक्स, उसके बाद में किलोमीटर, उसके बाद में पैसेंजर्स, उसके बाद में कैपेसिटी बराबर, ये सब 4 बस है। 2 राउंड ट्रिप्स लिखा है, 2 × 2। अब किलोमीटर कितने हैं? 50। पैसेंजर कितने लिखे हैं? 50 पैसेंजर। कैपेसिटी कितनी हुई? 80% करो कैरेट लिखा है ना, एक्चुअल 80% वो देखने का कितना आएगा, ये 25 डेज बाकी, वो भी मल्टीप्लाई करो 8 लगाना चाहिए है ना। अब 8 लाख आता है, लेकिन ये लिखा गया है कि 10 लगाए ने व्हीकल रिपेयर के लिए रह जाता है, यानी मतलब कुछ टाइम पे अपने उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो 10 लगा निकाल दो उसमें से 7 लाख 25। सिंपल राइट। नाउ उसके बाद 4th क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे, ये इतने लिख लो पहले। देखो अब यानी इसके बाद पेपर है तुम्हारा 2016 फरवरी, पेज नंबर 17। अब इसमें सेल्स लिखा है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो अपने को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2nd, अपॉन पीवीआर इनटू 100। अब यहाँ पे सेल्स कितना दिया? 1 लाख।
फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, और पीवीआर दिया है 50 × 100, ये 2 सामने ले जाएंगे, 50,000 हो जाएगा ये, माइनस 15,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो 35,000 आंसर। डन। फिर आगे फोर्थ देखें, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इनकर्ड फिक्स कॉस्ट ₹1,80,000 विद सेल्स ऑफ 6 lakh ऑन अ प्रॉफिट ₹1,20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, इफ सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड इन द सेकंड हाफ ईयर द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 60,000, द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम ढूंढना है। सबसे पहली बात पीवीआर ढूंढना पड़ेगा, तो पीवीआर इज इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब देखो सेल्स कितना लिखा है, सेल्स तुमको 6 lakh दिया है। अब अपने जो टेबल बना दे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना लिखा है, प्रॉफिट दिया है तुमको इसके अंदर 1,20,000, ये प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट आपको दिए 1,80,000, इन दोनों को प्लस कर दूं तो 3 lakh कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स दिया है कितना, 6 lakh, तो इसका मतलब तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 3 lakh, तो 6 lakh में से 3 lakh माइनस करें डिवाइडेड बाय 6 lakh इनटू 100, तो ये आएगा देखो 50%, ये कितना आएगा 50%। अब ये 50% है, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, सेकेंड हाफ का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लॉस तो दिया ही ऑलरेडी, तो सेल्स अगर फाइंड आउट करना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। सेल्स पता नहीं अपडेट होना है, फिक्स कॉस्ट अपने पता है कितनी, सब अनचेंज रहता है, यानी 1,80,000 और लॉस है तो माइनस करेंगे 60,000, और पीवीआर कितना है अभी जो आया वो 50%, तो 120 डिवाइडेड बाय 50 यानी 2,40,000 आएगा, राइट। अब सेवंथ क्वेश्चन देखो, इसमें 5 bus लिखा है, 2 towns 60 kilometers अपार्ट, यानी किलोमीटर लिखे 60 ऑन 1 way, सीटिंग कैपेसिटी कितनी लिखी है पैसेंजर्स 50, तो सीटिंग कैपेसिटी 90% बोथ वेज, तो यहाँ पे 2 trips है, कैपेसिटी यहाँ लिखे ट्रिप्स कितनी लिखूं मैं, 2 towns 3 round trips a day, तो 3 × 2 आएगा, सॉरी, एंड 30 days a month। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, राइट, इसको पीकेएम यानी पैसेंजर किलोमीटर बोला जाता है। नाउ फरवरी 2017 उसमें, अब यहां से 30 क्वेश्चन शुरू होंगे, देखो सेल्स ऑफ द फर्म 1,50,000 दिया है, फिर फिक्स कॉस्ट है 45,000, वेरिएबल कॉस्ट 1 lakh, अपने को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहली बात तो पीवीआर ढूंढना पड़े, पीवीआर यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब नाउ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है तो मैं क्या करूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 करूं। अब सेल्स कितना है, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 1 lakh डिवाइडेड बाय सेल्स कितना, अगेन 1,50,000 इंटू 100, तो कितना आएगा, 33.33, नहीं लिखो, अपने लिखेंगे क्या इसको 100 अपॉन 3 लिखेंगे, राइट। अब आगे देखो, तो 33.33 इक्वल आंसर नहीं, उसमें क्या पॉइंट में आंसर आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, अपने को ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, आपके पास फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट दिया 45,000,
100 अपॉन 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा इनटू 100 आ गया 350 135000 25 का आंसर। फिर उसके बाद में प्रॉफिट 30000 है सेकंड क्वेश्चन इज अर्न बाय सेलिंग 10000 यूनिट्स एट अ पॉइंट ऑफ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपको 60% दिया है अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो पीवीआर का होना जरूरी है तो हम पीवीआर फाइंड आउट करें पीवीआर कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 अब कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसको कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स की करें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नाउ अगर ये 60% दिया है वेरिएबल कॉस्ट से सेल्स इसका मतलब सेल्स को मैं 100 समझ लूं इसको 60% डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 तो 40 आएगा पीवीआर राइट अब देखो अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट अपॉन पीवीआर तो प्रॉफिट 30000 है और पीवीआर 40 इनटू 100 This is your answer, right? अब इतने लिख लो उसके बाद में आगे बात करो पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो मार्जिनल कॉस्ट 90 पर यूनिट दिया है पीवी रेशियो 50% तो सेलिंग प्राइस आपको अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 90 राइट अब पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 अब पीवीआर 50% है कंट्रीब्यूशन 90 सेल इनटू 100 90 अपॉन 50 इनटू 100 180 जय हो 14 थोड़ा देखो क्या लिखा है केके लिमिटेड ऑपरेट्स अ बस बिटवीन टू टाउन्स व्हिच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट द बस मेक्स टू राउंड ट्रिप्स अ डे बराबर 40 किलोमीटर अपार्ट और बस तो एक अधिक विद द डीजल कंजम्पशन वो बात की बात है पहले अपने ने किलोमीटर देखे हमको इन्हें पैसेंजर नहीं देखने इसके अंदर हमको पहले इसके अंदर किलोमीटर देखने तो 2 × 2 = 4 करें तो कितना 160 किलोमीटर हमको बस चलानी राइट और डीजल का रेट कितना लिखा होगा 60 पर लीटर और कंजम्पशन 16 पूरे मंथ के लिए अपने को फाइंड आउट करना है तो पहले तो मैं क्या करूं 160 लिखा है तो एवरेज निकालें 160 किलोमीटर और एक लीटर में 16 किलोमीटर लिखा है तो इसका मतलब 10 लीटर का कंजम्पशन है तुम्हारा कितने 10 लीटर का कंजम्पशन और 60 रुपीज करेंगे 600 एक दिन तो अगर पूरे जनवरी में मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं 31 मल्टीप्लाई करो 18600 बराबर ये सारे जितने भी ये चैप्टर के समय वो सब ऐसे ही है पेज नंबर 20 है जीवा लिमिटेड इन प्रॉफिट वॉल्यूम द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% फिक्स कॉस्ट दिया है प्रॉफिट अर्न दिया है और मैनेजिंग डायरेक्टर को यह बताया गया कि 1,00,000 आपको प्रॉफिट चाहिए राइट तो हम क्या करेंगे डिजायर सेल्स कैसे प्रॉफिट का तो सवाल है नहीं इसके अंदर अपने सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट अपने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखते हैं अपॉन पीवीआर फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हमको बताया 50,000 प्रॉफिट कितना चाहिए 1,00,000 डिजायर प्रॉफिट 1,00,000 और पीवीआर कितना 25% 6,00,000 राइट अब 18 वाला देखें
ब्रेक इवन सेल्स 1,50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70%। अगेन अगर पीवीआर फाइंड आउट करना हो तो सीधा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है ना आपको, तो 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दो फिर पीवीआर आ जाएगा। चलो 100 में से 70% माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 30% पीवीआर डायरेक्ट। अपने को फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स दिखा, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इनटू 100। अब ब्रेक इवन सेल्स अपने यहाँ पे 1,50,000 दिया, इसी को पीवीआर 30 इंटू 100, ये दो जीरो सामने सामने कर देता हूँ, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब 45,000 ये तुम्हारी फिक्स कॉस्ट राइट। फिर इसमें 20 देखो, सेल्स 50,000, फिक्स कॉस्ट है 35,000, प्रॉफिट 5,000, तो कंट्रीब्यूशन अपने फाइंड आउट करना है। देखो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये अपना शेड्यूल सिस्टम। तो देखिए इसमें पहले सेल्स कितना है 50,000, उसके बाद में फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 35,000, प्रॉफिट दिया है 5,000। सिंपल इन दोनों को प्लस करो, कंट्रीब्यूशन आ गया, बात खत्म, आगे कुछ करना नहीं अपने को, तो क्या दिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो आंसर आ गया तुम्हारा। देन 21, इफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 10,000 रुपए मत, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड 50 रिक्वेशंस आर रेस फॉर मटेरियल, बच्चे को भी आ जाइए 200 पर रिक्विजिशन आएगा। अब आपको फाइंड आउट कितने के लिए करना है, 10 के लिए, इतना सिंपल। ये किसका एबीसी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 23, Q Limited has a taxi which runs at an average speed of 40 km per hour and has travel a distance of 4,800 km in a month. Driver के wages हैं 90 rupees per hour लिखे, बराबर है। अब अपने क्या लिखे, देखो 40 km 1 hour की average, तो वो कितने kilometers, 4,800 kilometers, तो 4,800 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 120 आवर, 120 आवर्स। अब ड्राइवर की सैलरी कितनी है, 120 इंटू 90 पर आवर, तो 10,800 रुपये उसको सैलरी देनी पड़ेगी। बट ये किसके बेस के ऊपर है, किलोमीटर के बेस के ऊपर, आवर्स के बेस के ऊपर, तो फिक्स नहीं, इसको वेरिएबल भी, वेरिएबल और 10,800, समझे ना। नेक्स्ट 24, टूरिस्ट व्हीकल 3,500 किलोमीटर इन अ मंथ एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 31,500, मैनेजमेंट को 25% का प्रॉफिट चाहिए ऑन टेकिंग, ऑन टेकिंग लिखा हूं तो ऑन सेल्स समझ लिखा, 100 रुपीज समझो, उसमें से 25 माइनस करिए, सेल्स है 25 माइनस करो, ये प्रॉफिट हुआ, यानी ये टेकिंग बोला जाएगा, तो ये आएगा 75। अब तुम्हारे पास कितना है, 31,500, तो 75 पे अपने को 100 करना है, तो 31,500 पे कितना है, ये आया 42,000, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल किलोमीटर यानी 3,500, योर आंसर इज, टेकिंग लिखा होने तो 100 में से टेकिंग माइनस करें, तो ये आ गई तुम्हारी कॉस्ट, कॉस्ट तो दीजिए तुमको, अब तुमको टेकिंग फाइंड आउट करना है। सर्विस में हमेशा टेकिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद 27 देखो, H&M प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट H1 एंड H2, लेबर कॉस्ट 200-300 लिखा है और लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर आवर, टोटल ओवरहेड इनकम ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹93,000, कंपनी रेडिएशन कॉस्टिंग
यूज कर दिए और ओवरहेड एट द रेट पर लेबर आवर के हिसाब से अपने को चार्ज करना, तो क्या करेंगे हम देखो 600 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, पर पहले हमने क्या लेबर आवर लिखा है, लेबर आवर रेट नहीं लिखा है, लेबर रेट नहीं लिखा है, टोटल फिक्स अपने क्या बोलते हैं वेजिस के ऊपर नहीं लिखा। तो हम पहले ये देखें 200 H1 है और यहाँ पे H2 है, एक 100 रुपए के रेट पे यहाँ पे 300, ये कितना, ये भी 100, तो यानी मतलब 2 लेबर आर हुआ, लेबर आर पर यूनिट, और यहाँ पे 3 लेबर आर पर यूनिट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अपने को फाइंड आउट करना है, 600 यूनिट ईच लिखा है, तो इसका मतलब इसको भी 600 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 600 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1200 आएगा, ये 1800 आएगा, इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 3000 लेबर आवर्स हुआ। अब तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 93000, उसको 3000 से डिवाइड कर दो 31, जैसे किया पहले, एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर की जरूरत है वो फाइंड आउट किया, उसके बाद में टोटल यूनिट से उसको मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर है उन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, एबीसी नहीं, अगर एबीसी होता तो अलग रख, फिर उसमें अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट अलग से करो, बराबर आ रहे ने? एक खाली क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसमें, और वो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन पेज नंबर 22 के ऊपर, 7 और 12, तो पेज नंबर 22 7 क्वेश्चन देखो, बस बिटवीन टू टाउन 50 किलोमीटर अपार्ट, राइट, किलोमीटर 50 है, 2 राउंड ट्रिप्स यानी 2x2, तो इसके बाद में पैसेंजर 50 ऑन एन एवरेज, फेब्रुआरी के मंथ में 2018 है, 28 दिन हुए, समझे ना, फेब्रुआरी लिखा है तो 28 डेज, मल्टीप्लाई करो सबको, अच्छा अपने को ने, देखो क्वेश्चन बराबर ध्यान से पढ़ना, इसमें अपने कहां पे गलती कर दी, पैसेंजर लिखा ही नहीं है, तुमको कंपोजिट नहीं फाइंड आउट कर, तुमको लिखा है खाली टोटल किलोमीटर्स, देखो है ना, तो ये अपने नहीं लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करो, बराबर नहीं, अब 12 वाला लास्ट वन देखो, व्हीकल ए 15,000 माइल्स, व्हीकल बी 6,000 माइल्स, माइल्स रन पर लीटर कितना लिखा है, 10 माइल पर लीटर, तो अपने व्हीकल ए 15,000 माइल रन करता है, तो इसका मतलब कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, इसको 1500 लीटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें व्हीकल बी की, तो व्हीकल बी में 12 का एवरेज है, तो फिर यह लिखा है 6,000, उससे कितना यह आएगा 500, अब कॉस्ट कितनी लिखी है 75 पर लीटर, तो ये भी 75, ये भी 75, मल्टीप्लाई करो 375, 375 बराबर है, ये दोनों को प्लस करें, 150, देख लो आंसर सी, राइट, नाउ द लास्ट वन 14, ये लास्ट वन बराबर है, 14 लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पीके लिमिटेड इंक्लूड सेटअप कॉस्ट 14,000, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 7,840, शेड्यूलिंग कॉस्ट 10,000, क्वालिटी इंस्पेक्शन 10,600, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज कितने किए 100 आवर्स, कंपनी फॉलोस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड चार्ज ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, इफ 300 लेबर आवर्स आर यूज बाय प्रोडक्ट बी, तो हम कितना चार्ज करेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना, टोटल कितना है 800 है बराबर, 300 लेबर आवर्स को यूज किया गया, तो पहले टोटल करो तीनों का, सेटअप कॉस्ट पहले फाइंड आउट करो 14,000, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट
7840, उसके बाद में शेड्यूलिंग कॉस्ट 10,000, उसके बाद में इंस्पेक्शन कॉस्ट 10,560, टोटल करो 4,240. ये कितने आर्स के लिए? 800 के लिए. सिंपल. तो 4,240 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे क्या आंसर आ? 15,900. अंदर चेक करो. 15,900 राइट. ये फाइनल आंसर समझे? ओके तो इतने एमसीक्यू किए, अभी थोड़े बाकी है, उसको नेक्स्ट टाइम अपने कर लेंगे.